पंजाब को रिमोट से चलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के दरबारी पंजाब चला रहे हैं, पंजाब के सीएम वो अपने आप से एक फैसला नहीं ले सकते, इनके मालिक जेल गए, पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी, यहां के मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मालिक के सामने जाकर के उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा, उनसे आदेश लेना पड़ा। आपको पता है 1 जून के बाद कट्टर भ्रष्टाचारी फिर जेल जाएंगे। क्या फिर पंजाब की सरकार जेल से चलेगी क्या? आपको ऐसी सरकार मंजूर है क्या? ऐसी पद्धति मंजूर है क्या? ये पंजाब का अपमान है कि नहीं है? ये वीर भूमि का अपमान है कि नहीं है? ये गुरुओं की भूमि का अपमान है कि नहीं है? क्या ये पंजाब के भविष्य को दांव पर लगाने की बात है या नहीं है? आज पंजाब जिस स्थिति में है उससे बाहर निकालने के लिए मैं पंजाब वासियों से प्रार्थना करने आया हूं, और मैं आज आपको आग्रह करके आपसे कुछ मांगने आया हूं। पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार पंजाब ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के सांसद चुन करके भेजे। आप वोट देकर अपना काम कीजिए, 5 साल आपके सपनों के लिए मैं जीऊंगा। आपके सपने ही मेरे संकल्प होंगे, मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए। और मैं आपको वादा करता हूं 24/7 फॉर 2047। ये कांग्रेस झाड़ू वाले, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये देश की जनता को पता नहीं क्या समझते हैं? क्या देश की जनता समझदार है ऐसा उनको लगता नहीं है क्या? आए दिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रहे। अब आप देखिए, ये लोग दिल्ली में दोस्त होने का दिखावा करते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, और यहां पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जनता भी जान गई है, इन दोनों दुकानों का शटर एक ही है। इसलिए इंडी गठबंधन को हराने के लिए आपको सिर्फ भाजपा को ही कमल के निशान पर ही बटन दबा करके आपके सपनों को पूरा करना है। और आपको भी पता है, केंद्र में सरकार, मुझे बताइए किसकी सरकार बनेगी भाई? आप बताइए किसकी बनेगी? आप यहां गुरुदासपुर में, पठानकोट में, कहीं पर भी रेल के डिब्बे में 100 लोगों को पूछिए कि बताओ भाई सरकार किसकी बनेगी। 90 लोग कहेंगे कि भाई मोदी की सरकार बनना पक्का है।
अब जब इतना साफ साफ है तो कोई अपना वोट बर्बाद करेगा क्या? कोई अपना वोट फालतू में ऐसे खर्च कर देगा क्या? और इसलिए इस बार कोई दुविधा का माहौल ही नहीं है। इस बार सबसे ज्यादा घाव इसी इंडी गठबंधन ने दिए। आजादी के बाद विभाजन का घाव, स्वार्थ के चलते अस्थिरता का घाव, पंजाब में अशांति का लंबा दौर, पंजाब के भाईचारे पर हमला, हमारी आस्था पर चोट, कांग्रेस ने पंजाब में क्या कुछ नहीं किया। यहां इन्होंने अलगाववाद को हवा दी, फिर दिल्ली में सिखों का नरसंहार करवाया। कांग्रेस जब तक केंद्र सरकार में रही, दंगाइयों को बचाती रही। ये मोदी है जिसने सिख दंगों की फाइलें खुलवाई, ये मोदी है जिसने आरोपियों को सजा दिलवाई।